तो कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो 20,000 रुपये के अंदर कौन से स्मार्टफोन बढ़िया मिल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। हैं कुछ स्मार्टफोन जिन्हें आप खरीद सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्मार्टफोन 20,000 रुपये के अंदर हैं, मोटोरोला के आ रहे हैं, वीवो के आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही अलग स्मार्टफोन लेके आया हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम चौथे नंबर पर स्मार्टफोन जो रखा है वो है IQOO का Z9। जब लॉन्च हुआ था लोगों ने पसंद किया, अभी भी 4.4 स्टार रेटिंग लोगों ने दे रखी है, यूज़र रेटिंग अच्छी है, बेस्ट स्मार्टफोन है कहा जा सकता है। डिज़ाइन भी ठीक है, अच्छी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। जानते हैं इसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। देखिए इस फ़ोन को खरीद सकते हैं 18,500 रुपये की प्राइस में, ठीक है। और IQOO Z9 13 मार्च 2024 को स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। MediaTek 7200 का चिपसेट मिला था, गेमिंग कर सकते हैं बेहतर है। डुअल रियर कैमरा सेटअप, 50 मैन लेंस मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस में दिया गया, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट लेंस, 5000 mAh की बैटरी, 44 वाट फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है एमोलेड, और ये डिस्प्ले बढ़िया है और इस प्राइस के हिसाब से आपको बेस्ट डिस्प्ले मिल जाती है। 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, गारंटी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन यह कहा जा सकता है कि हाँ इस प्राइस के हिसाब से ठीक है 18,500 रुपये की प्राइस में। कौन से क्या है, कमी क्या है, तो इसमें प्री इंस्टॉल ऐप आपको देखने को मिल सकते हैं, बहरहाल 2 मेजर अपडेट्स। चौथे नंबर पर स्मार्टफोन जो मैंने रखा है वो है वीवो का। अब वीवो के स्मार्टफोन आप जानते होंगे कैमरा के लिए मशहूर हैं, ठीक है, तो वीवो का T3 है, ये स्मार्टफोन भी खरीदा जा सकता है। अच्छाई क्या है, कमी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। MediaTek 7200 का प्रोसेसर, ठीक ठाक प्रोसेसर मिल जाता है प्राइस के हिसाब से, 6.67 इंच की डिस्प्ले इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है एमोलेड, 120Hz रिफ्रेश रेट, और बेहतर डिस्प्ले इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। डुअल रियर कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मैन और 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस दिया गया है, 16 फ्रंट, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट फास्ट चार्जिंग, 4.4 स्टार आउट ऑफ 5 में से मिली हुई प्राइस, भाई इसकी भी 18,500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कमी वही इसमें प्री इंस्टॉल ऐप देख सकते हैं और बहरहाल बाकी सब कुछ ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन मैंने रखा है, इस स्मार्टफोन को मैंने इस्तेमाल किया है तो इस वजह से मैं बता सकता हूँ इस फ़ोन में मुझे क्या कमी लगी। Infinix Note 40 Pro एक बढ़िया स्मार्टफोन कहा जा सकता है। बहरहाल इस वक्त यार प्राइस इसकी बढ़ा दी गई, यानी 22,000 रुपये कर दी गई यार, 22,999। बहरहाल 17,999 रुपये की प्राइस में ये स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है। MediaTek 7020 का प्रोसेसर मिला था, ठीक ठाक स्कोर जो है इसका रहता है, 6.78 इंच की इसमें डिस्प्ले है जो कि एमोलेड कर्व डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले बहुत ही शानदार है, ब्राइटनेस बढ़िया है और व्यू काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले का है, कंटेंट बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हैं और ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं महसूस होती, ना ही कलर्स की कोई कमी महसूस होती। कैमराज की अगर बात करें तो ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप इसमें ज़रूर है, पर मैन जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, प्लस 2 मेगापिक्सल के दो किसी काम के नहीं। सामने की तरफ आपको बढ़िया लेंस मिल जाता है जो कि 32 मेगापिक्सल का है, फोटोस अच्छे निकाल सकता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है इस फोन के अंदर, 45 वाट फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है, 8 256 GB स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है, और ये 17,999 रुपये की प्राइस में खरीदा जा सकता है। बहरहाल 22,999 रुपये की प्राइस में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 22,999 रुपये की प्राइस में आपको एक स्मार्टफोन और मिल रहा है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, Realme P2 Pro लॉन्च हुआ, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन, बहुत सारा नए नए फीचर के साथ में, इसमें आपको हिडन फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं कैमरा के साथ में, डिस्प्ले के साथ में, यानी ये स्मार्टफोन बढ़िया मुझे लगा P2 Pro, ठीक है, वो खरीद सकते हैं। अगर 22,000 रुपये आप लगाना चाहते हैं तो P2 Pro में आप लगा सकते हैं, डिज़ाइन बहुत ही अच्छी, कैमरा लेंस अच्छे मिल जाते हैं, डिस्प्ले बेहतरीन मिल जाती है। चलिए इसमें अगर हम बात करूँ कमी क्या है, तो भाई कमी तो मुझे इस फ़ोन की अगर कमी की बात करी जाए तो भाई देखो, आप अगर घर के यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, यूज़ करने के लिए ऐसा ही अगर स्मार्टफोन खरीदते हैं तो भाई MediaTek 7020 का प्रोसेसर आप के लिए बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर एडिटिंग वगैरह नहीं करते ना बहुत ज़्यादा तगड़े गेम खेलते हैं, बहरहाल लो क्वालिटी पर गेमिंग भी की जा सकती, तो ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा स्मार्टफोन है डेली यूज़ के लिए, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। और रही बात कमी की, तो भाई इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता, बहरहाल अल्ट्रा वाइड अगर आप यूज़ ही, मेरे पास है स्मार्टफोन, इसमें अल्ट्रा वाइड में यूज़ ही नहीं करता कभी, अल्ट्रा वाइड को कभी भी मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज अल्ट्रा वाइड पर नहीं निकाले, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे देखना पसंद नहीं अल्ट्रा वाइड पर जो इस फोटोज़ वीडियोज़ निकालते हैं वो मुझे पसंद ही नहीं, तो इसलिए बहुत से लोग अल्ट्रा वाइड पर काम ही नहीं करते, तो इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है, जो मुझे सही लग रहा है, बहरहाल आपकी अपनी पसंद है। इसके अलावा एक और स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ जो दूसरे नंबर पर रखा है, अच्छी डिस्प्ले के साथ में और ठीक ठाक
लेकिन इस फोन में कमी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। पोको X6, ठीक है, ये स्मार्टफोन अच्छा है और ये 11 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिला था जिसका स्कोर 6 लाख का। बढ़िया एंड्रॉइड स्कोर निकाल के देता है। 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिली थी, 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, यानी ये 1260x2800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इस फोन में 53 रियल कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मैन और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिला था। 16 मेगापिक्सल का इसमें लेंस मिलता है फ्रंट में, ठीक है। 5100mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी और जो कि 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन के बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस 19,999 रुपये। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज में आप स्मार्टफोन खरीदेंगे तो थोड़ा सा सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। तो पोको X6, पोको का X सीरीज का स्मार्टफोन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए दूसरे नंबर पर मैंने रखा। इससे फोटोज वीडियोज बेहतर निकाले जा सकते हैं। कमी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैमरा थोड़ा बम्प है आप देख सकते हैं स्मार्टफोन का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिज़ाइन बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है, बैक पैनल बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, अच्छी खासी प्राइस के हिसाब से आपको सब कुछ बेहतर इस फोन में मिल जाता है। कैमरा जो मैन है 64 मेगापिक्सल का, उसके परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था और इसमें 50 मेगापिक्सल का अगर सोनी का लेंस मिलता तो और ही बढ़िया होता, AI का फुल सपोर्ट मिल जाता तो और ही बेहतर था। लेकिन ये जब लॉन्च हुआ था तो अच्छा स्मार्टफोन कहा जा रहा था, अभी भी बढ़िया रेटिंग के साथ में बना हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं 19,999 रुपये की प्राइस में और 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज में आपको मिलेगा। बात करता हूँ नंबर वन स्मार्टफोन जिसे आप भूल चुके हैं, ठीक है। लवा ने यार कितना ऐड किए हैं स्मार्टफोन के बारे में, बताया है लोगों को, व्हाट्सएप किए हैं, शेयर किया है जब ये लॉन्च हुए स्मार्टफोन, लवा के ब्लेस सीरीज के हों, अग्नि सीरीज के हों, पर यार पता नहीं क्यों नज़रअंदाज करते हो आप लोग इन फ़ोनों को। अपने इंडियन माइंड एंड निजा स्मार्टफोन भले ही पुरजे उसके बाहर देशों से लाए गए हों, बहुत सारी कंपनियां करती हैं ये काम, कहाँ इंडिया में सब चीज़ें बनाई जाती हैं, सेंसर वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं, भाई बाहर से तो मंगाने ही पड़ेंगे। इंडिया के सब कुछ, कोई भी चाइना के स्मार्टफोन जितने भी होते हैं उनमें क्या सब कुछ चाइना ही का है, सब चीज़ सेंसर वगैरह सब कुछ मिलता है? नहीं भाई, दूसरी कंपनियों से प्रोवाइड। एप्पल के स्मार्टफोन भी ऐसे ही होते हैं, एप्पल का कोई खुद का बनाया हुआ स्मार्टफोन थोड़ी ना यार। इसके जो प्रोसेसर है, इसके जो और सेंसर हैं, कैमरा लेंस हैं, डिस्प्ले हैं, ये अलग अलग कंपनियां देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, तब जाके आईफोन तैयार होता है। इसी तरीके सारी कंपनियां, कोई प्रोसेसर बनाता है तो कोई कंपनी लेंस देती है, सोनी जैसे कंपनी जो स्मार्टफोन के लेंस बना के देती है, डिस्प्ले जो सैमसंग देती है, और बहुत सारे जो इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे मतलब लगे होते हैं सेंसर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है अलग अलग कंपनियां बनवाती हैं, तब जाके एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। हमारा लवा भाई इसी तरीके से बना हुआ स्मार्टफोन है, अच्छा है। अग्नि 3 की बात कर रहा हूँ, लवा अग्नि 3 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, अच्छा स्मार्टफोन है, डुअल स्क्रीन के साथ में यानी कवर डिस्प्ले के साथ में, रियर में बहुत कमाल का ये मुझे सही लग रहा है और प्राइस भी इसकी काफ़ी बढ़िया। अब स्मार्टफोन की थोड़ी सी प्राइस जो है ज़्यादा है, ठीक है, 22,999 रुपये, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब इसकी प्राइस जो है 20,000 रुपये यानी 19,999 रुपये में स्मार्टफोन देखने को मिले तभी आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऑफर के तहत स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं, बैंक ऑफर के तहत जो स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं। लवा अग्नि 3 में जो चिपसेट है बहुत ही कमाल का इस प्राइस के हिसाब से मिल जाता है, मीडियाटेक 7300 जो कि 6,76,000 का स्कोर निकालता है। एंट्री स्कोर ये बेहतर है, बहुत अच्छे गेमिंग की जा सकती है इस फोन के साथ में। 6.78 इंच की कर्व डिस्प्ले मिलती है इसमें, 1.5K रेजोल्यूशन वाली, 1219 पिक ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट, बेहतरीन डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है। कवर डिस्प्ले भी इसमें एक और मिल जाती है जो कि 1.74 इंच की और एमोलेड बेहतरीन डिस्प्ले आपको मिल जाती है। और कैमराज की बात करें तो 53 रियल कैमरा सेटअप मिलता है इसमें, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है और 2 लेंस और इसमें आपको मिल जाता है, का फ्रंट लेंस मिल जाता है और बेहतरीन लेंस फोटोज वीडियोज बढ़िया निकाले जा सकते हैं इस लेंस के साथ में। 5000mAh की बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है, 3.1 की UFS की स्टोरेज मिलती है यानी फास्ट स्टोरेज मिल जाती है इसमें। प्राइस 22,999 रुपये के आसपास है इस वक्त, लेकिन ये कम प्राइस में हो तब स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, मुझे सही लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ये सभी स्मार्टफोन बेहतरीन जो मैंने आपको बताए और बेस्ट स्मार्टफोन है, 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था अग्नि 3, इसे आप खरीद सकते हैं। थैंक दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।